मेरे सोहर मिजोरम में काम करते थे और उनके पर चट्टान गिरने से वहीं इंतकाल कर गए हैं। नमस्कार, मैं बब्लू कुमार। पिछले दिनों जो तीन ऑपरेटर का घटना हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी की परशुराम घाटी में, मिजोरम में और उत्तराखंड के देहरादून में, महाराष्ट्र के जो ऑपरेटर थे वो बांका जिले के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उनके भी परिवार से बात हो चुका है, और जो जम्मू कश्मीर के हैं, एक जम्मू कश्मीर के डोडे के हैं, उनका भी परिवार से बात हुआ है, और एक है झारखंड के हजारीबाग के बरही के हैं। तीनों परिवार से लगभग बात हो चुका है और एक परिवार का पूरा वीडियो आया है मेरे पास, एक वीडियो क्लिप आया है, हम आप उस वीडियो क्लिप को दिखाते हैं। मेरा नाम सामनी परवीन है और जो मिजोरम में जो मेरे सोहर काम करते थे कमरुद्दीन के वाइफ हम हैं, और मेरा घर बुढ़िया डावर हुआ और जिला हजारीबाग है, पंचायत बरहमोरिया है और थाना चौपारण हुआ, झारखंड के निवासी है। उनका ये इस चीज का हादसा होने से मेरे दो बच्ची हैं और मेरे सास माँ है, एक ठो लड़का है मेरा छोटा छोटा। मेरे सोहर मिजोरम में काम करते थे और उनके पर चट्टान गिरने से वहीं इंतकाल कर गए हैं। अब मेरा सहारा कोई ना है, दो गो बच्ची है और एक ठो लड़का है यार, और मेरे पीछे एक ठो बूढ़ी सास है और मट्टी के घर है। जो आप लोग का चलता बनता होगा मदद कीजिए, मेरे बच्ची को कौन सहारा है, मेरे बेटा लोग के कौन सहारा। देखिए खोलो खोल, मेरा पूरा मट्टी का घर है। अब इतने ही बोलते हैं और क्या बोले हम, मदद कीजिए, जिनको चलता बनता है मदद कीजिए। छोटा छोटा बच्ची है, कृपया वीडियो को शेयर करिएगा पूरा भारत। वीडियो देख रहे हैं, इनका नाम है चांदनी परवीन, पति कमरुद्दीन, जिला हजारीबाग झारखंड के रहने वाले यह परिवार है। यह परिवार का जो भाई ऑपरेटर का मृत्यु हुआ है मिजोरम में एक चट्टान के गिरने से, पहाड़ का चट्टान मशीन चलाते समय वो चट्टान गिरा था जिसके समय उनका मृत्यु हुई है। उस परिवार का एक कमरुद्दीन ऐसा आदमी हाँ जो यह परिवार को पालन पोषण, और उस पर उनका तीन बच्चे हैं, एक बच्चा 6 वर्ष का, एक बच्चा 4 वर्ष का, एक बच्चा 2 वर्ष का। यह परिवार का पालन पोषण वही एक कमरुद्दीन थे जो चला रहे थे। इस पर उस परिवार के उस बच्चे का पिता का साया ही नहीं बल्कि उनकी रोटियां भी उस परिवार के चली गई। इसलिए हम आप सभी से नम्र निवेदन करेंगे कि इस परिवार को जितनी सहायता हो किया जाए, आप सब जितना सक्षम हो उतना इसमें इस परिवार के लिए डोनेट करें और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हर किसी के पास यह वीडियो पहुंचे, ताकि हम सब मिलकर इस परिवार को इस विकट परिस्थिति में उभरने का एक नया स्वरूप दें। धन्यवाद। ऑपरेटर की सहायता फाउंडेशन जिंदाबाद। एक बहुत दुखद वीडियो है। भारत में 1 करोड़ ऑपरेटर हैं और एक ऑपरेटर के परिवार एक दुखद परिस्थिति में है। हम सभी को मिलकर इनका परिवार का साथ देना चाहिए और संस्था इनके परिवार के साथ खड़े हैं। और इनका वीडियो आप देखें, वीडियो देखने के बाद ने एक आंख में आंसू आ जा रहा है, ये बोलने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों अभी इस वीडियो देखने के बाद लगता है कि
ये संस्था इतना बड़ा बना है और हम इनका परिवार को इतना संस्था में डोनेशन ही है कि हम इनका परिवार को दे सके। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ कुछ मदद करिए और इनके परिवार को सहायता पहुंचाइए। एक क्राउड फंडिंग के माध्यम से इनको एक जो मुआवजा है, जो संस्था ने एक निर्णय लिया गया है फेसबुक लाइव में, जो हम शुक्रवार को आए थे कल ही, उसमें एक निर्णय लिया गया है जो इनके परिवार को 5-5 लाख रुपए, तीनों परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कब? जब तक आप लोग साथ दीजिएगा, नहीं जब तक। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो इन तीनों परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिल सकती है और इनका भविष्य सुधर सकता है। इनका जो बच्चे हैं अच्छे स्कूल में शिक्षा ले सकते हैं। इनका जब परिवार है, इनका जो फैमिली वाइफ है, इनका जो माता जी है, कुछ कर सकती हैं अपने भविष्य के लिए, कुछ रोजी रोटी का इंतजाम कर सकती हैं। भारत में 1 करोड़ ऑपरेटर हैं और ये तीन परिवार दुखद परिस्थिति में हैं। भारत में न जाने कितने परिवार इस ऐसा होंगे। अभी आप लोग देखे होंगे हरियाणा में एक घटना हुआ था, हरियाणा में जो भी ऑपरेटर की घटना हुआ था उनके साथ भी परिवार खड़ी है, लेकिन अभी तक कहीं से भी सूचना नहीं मिला है हमको कि यहाँ पर घटना हुआ है, इस जगह घटना हुआ है, यहाँ का ऑपरेटर थे। केवल पता चला कि बिहार के थे, कटिहार के थे, एक थे पंजाब के, दो तीन थे, तो कहीं से कोई सूचना नहीं है, कोई अब मेरे पास कॉल नहीं है। लेकिन ये तीन घटना जो हुआ है, मेरा पूरा सूचना हमारे वहाँ पर टीम थी उसके अगल बगल में, और टीम वहाँ पर मेहनत की और पूरा सूचना इकट्ठा करके हमारे पास दी। अभी हजारीबाग के मकसूद आलम थे, यहाँ के जम्मू कश्मीर के मुदासिर थे, रणधीर सिंह थे, इमरान अली थे, और यहाँ पर जो महाराष्ट्र का घटना हुआ है, जो वहाँ पर रवि भाई थे जो बेतिया जिला के हैं, और उनका भाई से भी कल बात हुआ था, वो मेरा वीडियो देख के कॉल किए थे। हम सबको अगर हम लोग 1-1 सौ रुपये इनके परिवार को सहयोग कर देंगे ना, तो 5-5 लाख रुपये हो जाएगा। और संस्था ये चाहती है कि क्राउड फंडिंग किया जाए। बहुत सारे ऑपरेटर भाई को पता नहीं होगा अभी ये क्राउड फंडिंग क्या है। आप एक आयंस कुमार का नाम सुने होंगे, जो पटना के थे, जो बच्चा थे 4 साल का बच्चा था, 16 करोड़ का इंजेक्शन लगने वाला था, लेकिन उनके परिवार के पास इंजेक्शन का पैसा नहीं था। इंजेक्शन का पैसा नहीं था, लेकिन वो पैसा आया कहाँ से, लगा कहाँ से, अभी लगा है कि नहीं लगा है पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे हम भी उसमें डोनेशन जमा किए थे 500 रुपया। हमारे टीम, बहुत सारे टीम, संदीप कुमार, मकसूद आलम, सुल्तान अहमद, रणधीर सिंह, ये सब जमा किए थे वहाँ पर डोनेशन, 100 रुपया 200 रुपया जितना किससे हुआ उनसे डोनेशन जमा किया गया। उसी को बोला जाता है क्राउड फंडिंग। और हर परिवार, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ना पूरा भारत भर में, अगर शेयर कर दीजिएगा पूरा भारत में, तो ऑपरेटर, जो ऑपरेटर का देहांत हुआ हुआ है, उनके तीनों परिवार को मुआवजा मिल सकता है। 5 लाख रुपया बड़े ही रकम नहीं हो सकती है, वो भी इतने बड़ा भारत लोकतंत्र देश में, 130 करोड़ आबादी है, और हम केवल ऑपरेटर के लिए नहीं बोल रहे, एक मजदूर के लिए बोल रहे हैं। एक मजदूर थे, एक ड्राइवर भी थे, जो ड्राइवर बोला जाता है, ड्राइवर ऑपरेटर मजदूर सब एक ही होता है, थोड़ा सिल्क हो जाता है, एक काला होता है इनमें, इन लोग में। तो हर, अगर इनके बच्चे अच्छे स्कूल में अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे चल के क्या बनेंगे, इनको एक अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा इनके बच्चे लोग को। तो आप लोग चाहते हैं कि ऑपरेटर का लड़का ऑपरेटर ही बने,
ये भी इसी तरह मशीन चलाए। मिजोरम में आप लोग जानते हैं ना किस तरह पूरा चट्टान रहती है, और सबसे ज्यादा तो डिक्स एक्सीवेटर में सबसे ज्यादा डिक्स है जो मिजोरम में काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में जहाँ रोड कटिंग का काम हो रहा है। आप जम्मू कश्मीर हम गए थे मीटिंग में, वहाँ पर आप वीडियो देखे, वहाँ पर हम लाइव देखे थे, वहाँ पर हम धरातल पर जाके देखे थे। वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे लेकिन धरातल पर वहाँ पर जो मेरा टीम है रणधीर कुमार सिंह, हम धरातल पर जाके देखे थे। हम देखे तो अचकित हो गए थे। हम बोले कि ऐसा भी हम भी काम नहीं किए आज तक। हम भी कर्नाटक में काम करते थे लेकिन इस तरह हम काम नहीं किए। ऐसा ब्रेकर से अंदर पत्थर मारना, कब स्लाइड हो सकता है पता नहीं चलेगा। बताइए उनके परिवार को अगर मुआवजा हम लोग साथ नहीं देंगे, आज उनके साथ घटना हो सकता है, घटना घटा है, कल किसी और के साथ घटना घट सकता है। अगर आप मुआवजा दिए रहिएगा ना तो आपके परिवार को भी मुआवजा मिल सकता है। और ये संस्था जो ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन है, ये हर परिवार के साथ खड़ी है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हम एक अकाउंट नंबर दे देते हैं, गूगल पे फ़ोन पे तो नहीं है लेकिन एक अकाउंट नंबर देंगे जो संस्था के नाम से है, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के नाम से है। आप उस पर अगर 100-150 रुपये डाल के अगर दीजिएगा तो हम होली में बरही में जाके हम एक वहाँ पर मीटिंग एक कराएंगे, आयोजन करेंगे मीटिंग बैठक, और उस बैठक में हम उनके परिवार को बुलाकर लाइव वीडियो चलेगा और आप सभी के सामने उनके परिवार को हम मुआवजा देंगे। और झारखंड जम्मू कश्मीर जाके वहाँ पर भी एक ऑपरेटर बैठक बुलाकर गोडा में वहाँ पर भी एक मीटिंग का आयोजन करके उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। और बाका में तो मीटिंग नहीं करा सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर नहीं हैं, लेकिन वहाँ उनके परिवार उनके घर पर जाके परिवार से मुलाकात करके उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। आप लोग साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऑपरेटर जिंदाबाद।